Oh Allah, the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me. Allahu Allah, ma fi qalbi ghayrullah. Allahu Allah. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब, कैसे रोजे जा रहे हैं आपके? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और यहाँ देखें, मैंने रूम के ना सारे साफ सफाई करके बेडशीट वगैरह बिछा दी है, तो क्योंकि आज रहा घर में इफ्तारी थी, तो मैंने सारी जल्दी से ना घर को साफ कर लिया था। हस्बैंड कह रहे थे इस तरफ ना सोफ़े कर लेते हैं, तो इधर क्लीन बिछा लें ताकि ईजी हो के ना इधर ही बैठ जाएंगे। मैंने कहा चला ठीक है, मेरा जो काम है वो मैंने कर लिया है, बाकी हस्बैंड क्लीन लेके आएंगे ऊपर स्टोर से, तो वो फिर बिछा लेंगे यहाँ पर, इसको दूसरी तरफ कर लेंगे। आज मैं बनाने लगी खाने में कीमा, मैंने निकाल लिया फ्रिज से, और ये शिमला मिर्च, मटर, आलू, यहाँ पर मैंने ये स्पाइसी ले लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ये कुटी मिर्च है, और साथ में गरम मसाला है, इसमें हरी प्याज, हरा लहसुन भी, और जो हरी मिर्च है यहाँ पर, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ले लिया, और यहाँ पर टमाटर। और इधर मैं ले लीजिए तेज की, आज प्रेशर में नहीं देज की मैं बना लेती हूँ। और अभी मैंने पढ़ी है जोहर की नमाज़, और कुरान जी भी पढ़ा हुआ है मेरे उधर, और मैंने बस ये करके ना क्योंकि हांडी को बस हल्के आज भी बस रख दूँगी ना, तो फिर कुरान जी पढ़ लूँगी, ऐसे मेरा ना कुरान जी नहीं पढ़ा जा रहा, तो लगे घर के काम ही नहीं मुकम्मल होते, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए उतनी नहीं होती। और अब खाना भी ज़रूरी होता है, पकाना भी ज़रूरी होता है, इसमें डाल देते हैं घी। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो कुरान जी मुकम्मल हो गए हैं, कि मेरी कोशिश है ज़्यादा करने की। उसमें ऐड करते हैं लहसुन अदरक काफी, उसमें ऐड करते हैं लहसुन अदरक काफी, बाकी सारे और अभी इसमें डाल देते हैं ये स्पाइसी सारे। यह मसाले की मैंने बनाई कर ली, ना ज़्यादा किए ना कम किया, इसमें डाल देते हैं कीमा, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, कीमा भी खोल जाएगा और पक भी जाएगा, जो कवर करके रख देंगे। फिर इतना सा मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें, और इसको कवर करके रख देते हैं। और इधर पढ़ लेती हूँ नमाज़ सॉरी कुरान मजीद। वो खाना
उसके बिना हल्की ना तेज़ आँच करके रख दिया है और पकता रहेगा कीमा। मैं गुलाम जी पा लेते हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सूरत मुकम्मल कर ली है, ये बस दो तीन सफारियाँ, 13वां सफारा शुरू हो जाएगा मशहूर, क्योंकि मैं सूरत सूरत पढ़ती हूँ ना। फिर अभी हांडी देख लेते हैं। एक दो बार मैंने देखी भी थी। अभी इसमें डाल देती हूँ मटर, क्योंकि अभी पानी है, मटरों को भी टाइम लगेगा, फिर मटर भी अच्छे से ना गल जाएंगे। इसे मैंने कवर करके रख दिया है। आलू भी ऐड कर देती हूँ, आलू भी टाइम लेंगे, शिमला मिर्च वो ना इतना टाइम नहीं लेती। इसमें डाल मतलब इनको मैंने ना हल्के आंच पे रखा हुआ है, इसको भी ऐसे रख लेते हैं और अपनी एक सूरत वह भी पढ़ लेते हैं, कि अभी असर के अज़ान होने में काफ़ी टाइम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सूरत मेरी मुकम्मल हो गई है। अभी है 40 मिनट अभी अजान होने में, अभी हांडी देख लेती हूँ, हांडी बना लेती हूँ, ये फिर बाद में पढ़ लूँगी असर की नमाज़ के बाद। फिर जो काम होंगे वो देख लूँगी, अगर नहीं है तो फिर कुरान मजीद पढ़ लूँगी। यहाँ हमारी हांडी बिल्कुल फाइनल हो गई है। देखिए इधर देखे, इस तरफ सारी छत खराब हुई है और इस तरफ देखे सारी साफ है। ये सारा इन स्प्रेडों की वजह से ना, अभी मैं इनको ना पानी इनका चेंज करके गई हूँ, और इनको बाजरा दिया था, अभी ये रोटी लेके आई हूँ और इनको ये रोटी भी दे देते हैं। आज आटा गूंदा हुआ नहीं था, मैंने स्पेशल इनके लिए गूंद के, ये कितनी ताज़ी ताज़ी रोटी बना के मैंने इनको दी। ये भी ऐसे बाद में साफ कर लूँगी, अभी ये खाने आ गई हैं। खा लो आ जाओ। और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, यहाँ देखें इतने ज़्यादा ना माशाल्लाह से फूल खिले हुए हैं।
यहाँ पर मैं डब्बे वगैरह भर रही थी तो उसमें का थोड़ी सी वीडियो आप बना दो तो मुझे ये सारी मैं आप दे आना बाहर मोहल्लों में। और यहाँ पर ना देख जो है ना उसको बहुत ज़रूरत थी देख की, तो मैंने कहा चलो मेरी पतीले हैं आप उसमें निकाल दो। तो माशाल्लाह वो दोनों दिलों में से ना ये इन्होंने निकलवा लिए थे। मैंने कहा चले कोई नहीं, काफ़ी दूर से मंगवाई थी ना देख, इसलिए यहाँ से जहाँ से मंगवाते ना काफ़ी दूर से है तो फिर आधा पौना घंटे का रास्ता भी है, तो फिर इसलिए ना यहाँ से हमें पसंद है। तो यहाँ पर हमने लगा ली थी इफ्तारी, सारी चीज़ें मैंने ना जले जले दही भले जामे शीरे बना लिया था, इसमें गूंद कतीरा और छमाछम मतलब के साइड डाली थी। तो मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं था, इसलिए मैंने बस इफ्तारी लगाने का जल्दी जल्दी किया, क्योंकि बाँटने बाँटते ना चावल तो काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर समोसे रखने थे ट्रे में। समोसे क्योंकि गरम गरम आने थे, अम्मी लोग ना लेके आने थे, तो इसलिए फिर यहाँ पर लेके आए थे गरम गरम जो समोसे थे। बहुत मज़ा आया, बातें की, फिर घर के काम। मुझे सिस्टर ने काफ़ी हेल्प कर दी थी, वो काफ़ी काम कर रही थी, बाकी सारे घर के काम मैंने कर लिए थे। यहाँ देखे मैंने देश के सारे खाली कर दिए थे। और हस्बैंड ने जो एक 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 डब्बा करके निकाले जा रहे थे, ये देखे तो डब्बे काफ़ी चार से तकरीबन चार पांच डब्बे ना ऐसे इन्होंने ज़ाया कर दिए, लोटो में भर भर के देने लगते थे। यहाँ देखे मैंने सारे बर्तन साफ करके ना रात को ही रख लिए थे, मेरे कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। यहाँ पर देखे सारे खाली हुआ था, या अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि घर गंदा हो ना तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, घर साफ नीट क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने जाके ना ये ईशा की नमाज अदा की, तराबियाँ पढ़ी, और फिर तराबियाँ पढ़ने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह लगाए, किचन की क्लीनिंग की, और फिर जाके काम मेरा निकल गया।